नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है आरबी सिंह जी। आरबी सिंह जी, बहुजन समाज की आप बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, बाबा साहब की बातों को बहुत अच्छे से बताते हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया बाबा साहब को मानती है लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं मानती, उसका क्या विशेष कारण है? आपने बहुत सही सवाल किया। मैं जगह जगह यही बोलता हूँ कि आज पूरा देश में बहुजन समाज बाबा साहब को तो मानता है और उनकी पूजा भी करता है, उनके नाम पर मरता है, लेकिन उनकी कही गई बात को नहीं मानता। और बाबा साहब की बातों को मान लेंगे तो क्या परिवर्तन आ पाएगा उनों के अंदर, वो भी बताएं साहब। जी, बाबा साहब ने जो बात कही है वो देश को एक बहुत बड़ा देश, यानी मुझे कहना चाहिए कि वाकई एक राष्ट्र, जिसकी बात आजकल बहुत कहने सुनने में आ रही है, वो एक राष्ट्र बन जाएगा। अभी राष्ट्र नहीं है और ना ही बाबा साहब को बिना माने ये देश कभी राष्ट्र हो सकता है। ये मेरी बात दृढ़ है, मैं ये बड़े दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि बाबा साहब की बात को बिना माने ये देश राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्रवाद की बात बहुत करो, राष्ट्रीयता की बात बहुत करो, राष्ट्र की बात बहुत करो, लेकिन असली राष्ट्र जो है वो तभी बनेगा जब बाबा साहब की बात को मानेंगे। अब सवाल ये आता है कि बाबा साहब ने क्या कहा। बाबा साहब ने इस देश के सभी लोगों को कुछ अपनी एक बहुत अमूल्य चीज़ें दी है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन हमारे देशवासियों को उनको न पढ़ने का न समझने का कोई भी समय नहीं है, न कोई उत्साह है। अगर उनकी कही गई बातों को पढ़ लें और पढ़ के मनन करके उस पर चलें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाबा साहब का देश, भारत देश एक महान देश बनेगा। आप सवाल पैदा होता है कि उन्होंने कौन कौन सी बातें कही। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दो तीन चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं 1934 से, जिससे पहले कि जात में बहुत से लोग जातियां, दलित, पता नहीं क्या क्या, हरिजन बहुत कुछ बोलते थे। बाबा साहब ने पूरे देश की जो कम्युनिटीज़ थी, जो जातियाँ थी, उनको इकट्ठा चार ग्रुपों में किया था, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा, तो जनरल तो चार ही हैं। अगर ये चारों ही मान के चलते तो आज देश में बहुत कुछ सुधार हो गया होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं, मैं डिटेल में जाऊंगा तो शायद समय भी नहीं गवारा करेगा और वो सही भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में बताना। तो एक तो वो चीज़ है कि जितनी चीज़ें बाबा साहब ने ख़त्म करी थी 1934 से पहले और 1934 के बाद जो अडॉप्ट करने को हमको कहा था, उन चीज़ पर हम थोड़ा सा गौर करें और उस पर आगे बढ़ें। मसलन जातिवाद को बात न करके ग्रुप की बात करें, SC ST की बात करें उसमें जातियां भूल जाएं, OBC की बात करें उसमें जातियां भूल जाएं, माइनॉरिटीज़ की बात करें उसमें जातियां भूल जाएं, और जनरल की बात करें, हमको सवर्ण ब्राह्मण अवाम में कहने की ज़रूरत नहीं है, जनरल। तो ये चार चीज़ पे चले। नंबर टू बात आती है कि हूवर सूद्रास, बाबा साहब ने बहुत क्लियर कट किताबों में लिखा है, पढ़ लीजिए, ये कोई हमारी या आपकी बात नहीं है, तो बाबा साहब के विचार हैं। सूत्रराज में उन्होंने क्लियर बोला है देश के लोगों को कि इस देश के मूल निवासी, इस देश के राजा महाराजा, इस देश के शासनकर्ता शूद्र ही थे, उनके ही शासनकाल में देश आगे बढ़ा, विकसित था, देश विकसित था। मैं विकसित वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, विकास नहीं, ये विकास और सबका विश्वास और क्या ये चीज़ बातें नहीं करता, देश विकसित था। उन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो आगे फिर हम आगे जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बाबा साहब की बातों में बहुत तथ्य है, उनकी बात को पढ़ें। इसके बाद बहुत सी बातें आती हैं कि आप जातिवाद बहुत जोर कर रहा है, क्या करें साहब, दिन पर रोज़ दिन पर दिन जातिवाद बढ़ रहा है, हर जाति अपना अपना संगठन बना रही है, राजनीति कर रही है या कुछ कुछ कर रही है। इसका भी उन्होंने एक तोड़ बता दिया कि इन जातिवाद को अगर ख़त्म करना है तो वो कौन करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हमारे एक विद्वान साथी बोल के गए थे, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करी। वाकई मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास अगर चाहे तो बाबा साहब के नाम से इस देश का पुनर्निर्माण हो सकता है। तो वो पढ़ेगा तब ना, वो पढ़ता नहीं, अपनी आइडियोलॉजी लगा के अपनी बात करता है, यह बड़ा अफसोस है। अगर वाकई बाबा साहब को मान लें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लें, तो जितना इंटेलेक्चुअल क्लास आज अलग अलग बात कर रहा है, कोई प्रोफेसरी में मस्त है, कोई डॉक्टरी में मस्त है, कोई एडवोकेसी में मस्त है, कोई ब्यूरोक्रेसी में मस्त है, कोई पॉलिटिक्स में मस्त है, मस्ती में झूम रहे हैं,
किसी को चिंता नहीं है बाबा साहब इन ऑल। आगे मैं बताता हूँ, शॉर्ट में बात हो रही है इसीलिए बात कर रहा हूँ। संविधान, बाबा साहब ने देश को संविधान दिया। एग्जैक्टली बाबा साहब का संविधान ये नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़ लें। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में बाबा साहब ने अपना संविधान बताया है, अगर वो लागू हो गया होता तो आपकी कोई समस्या नहीं होती आज। लेकिन जो भी है, जैसे भी उनको मौका मिला उन्होंने संविधान दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि संविधान को भी, प्रीएम्बल को भी, एक प्रीएम्बल पहला चैप्टर, उसको भी अगर थोड़ा पढ़ ले हमारे लोग तो भी हमारा बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने से ही पूरा होगा। संगठन शिक्षित वाली बात तो ये होगी, पढ़ना, बाबा साहब को पढ़ना मतलब शिक्षित बनो। MSc BSc डॉक्टर LLB करना पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता दूँ, आज के ज़माने में सिर्फ पेट भरने का साधन है। अगर वाकई शिक्षित वाली बात है तो बाबा साहब ने क्या कहा है वो शिक्षित बनो। वो शिक्षित नहीं है हमारे देश, पहली चीज़। संगठित रहो या संगठित बनो, जो भी है, संगठन के नाम पे अलग अलग ग्रुप हैं। जब तक ये ग्रुप नहीं टूटेंगे, जब तक ये ग्रुपबाजी ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये सारे ग्रुप वाले लोग एक जगह नहीं बैठेंगे, जब तक ये यूनाइटेड नहीं होंगे, बाबा साहब का सपना सपना ही रह जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर ये सब लोग संविधान के अंतर्गत जो बाबा साहब ने कहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बातें हैं, उनके आर्टिकल 1 से 51 है, जगह जगह मैं बोलता हूँ, यही कल्याणकारी बातें हैं, बाकी छोड़ दें। कल्याणकारी भारत ही बुद्ध का भारत है, बाबा साहब का भारत है, यही मुझे आपसे कहना है, हर जगह बोलता हूँ। आप थे हमारे साथ आरबी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हैं तो आपको वो सब मिलेगा जो आपने नहीं मिल पा रहा है, और बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव भी होगा। हमारे चैनल से बात करें, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।